ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा के सामने जिस प्रकार के बच्चे बैठे होते हैं वैसे बाबा की ज्ञान डांस होती है, नई नई पॉइंट्स निकलती जाती है। दूसरा, आज बाबा कहे तुम बच्चों के अंदर कौन सी हॉबी होनी चाहिए, अर्थात कौन सी आदत होनी चाहिए। तो पहली बात आज बाबा ने बताई, तुम्हें याद में रहने की हॉबी होनी चाहिए। साथ ही साथ दिव्य और अलौकिक कर्म करने की हॉबी होनी चाहिए। तीसरा, बाबा कहे तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें कथा करने की ही हॉबी होनी चाहिए, अर्थात सर्विस करने की हॉबी होनी चाहिए। मनुष्य आत्माएं संसार में बहुत दुखी है, तो बाबा कहे उन्हें धीरज देना है कि धीरज धर मनवा, अब तेरे सुख के दिन आए कि आए। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सन्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। जो होशियार सर्विसेबल बच्चे होते हैं उनके सामने बाबा की ज्ञान डांस भी बहुत अच्छी होती है। आज की मुरली का प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी अर्थात आदत डालते हो। उत्तर है याद में रहने की, यह है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, बाबा कहे तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। गीत है धीरज धर मनवा। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, कब यह बीमारी छूटेगी। वह तो सब है हद की बातें, यह है बेहद की बात। बाप आकर बच्चों को राय देते हैं, यह तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर सुख और दुख का खेल है। यूं तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वरीय औलाद है। इस समय हमारी बहुत ऊंचते ऊंच गुप्त महिमा है। मनुष्य मात्र बाप को शिव, ईश्वर, भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं है, बुलाते रहते हैं। ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है। ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात गाते भी आते हैं, बाबा कहे गाते भी आते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं है। किसकी तकदीर में बाप का वर्षा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके। बच्चे जानते हैं कि हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे, अब बाप आया है तो कितना सोजरा मिला है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वह कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में नहीं है, वह भी बाप सिद्ध कर बताते हैं कि किसी के पास भी यह नॉलेज नहीं है। तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देता हूं, वह फिर प्रायलोप हो जाती है। मेरे बिगर फिर किसको ज्ञान मिल ना सके, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। समझ में आता है
कि कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5,000 वर्ष बाद रिपीट होगा। यह है नई बात, यह तो शास्त्रों में है नहीं। बाप तो यह नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार है। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा की डांस भी ऐसा चलता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं। दुनिया की बात बाबा उस जमाने की करते हैं कि डांसिंग गर्ल जब डांसिंग करती थी तो बहुत शौकीन लोग वहां होते हैं। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेगी। वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। तो यहां भी ऐसे है, मुरली सब बच्चे सुनते हैं लेकिन सन्मुख सुनने की बात और है ना। यह भी दिखाते हैं कि कृष्ण डांस करता था। डांस कोई वह नहीं, स्कूल में कोई डांस नहीं करता था, वास्तव में है ज्ञान की डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं। तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। यह है ज्ञान की मुरली, बाबा कहे यह है ज्ञान की मुरली, काठ की मुरली नहीं है। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे, ये किसके ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र को यह बुद्धि में आ न सके। आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं, जैसे कल्प पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो कल्प पहले मुआफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज खोल कर बताते हैं। कहते हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूं, ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जो कुछ सतयुग में हुआ था वही फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां है इस दुनिया में, कितनी अनेक प्रकार की योनियां है। सतयुग में इतनी योनियां थोड़ी होगी, वहां तो थोड़ी वैरायटी होगी, वहां कोई इतनी सारी योनियां नहीं है। 84 लाख योनियां जरूर होगी, एक मुरली में बाबा ने कहा था 84 लाख योनियां जरूर होगी इस दुनिया के अंदर, लेकिन इतनी वैरायटी योनियां सतयुग में नहीं होगी। सतयुग में इतनी योनियां थोड़ी होगी, वहां तो थोड़ी वैरायटी होती है। फिर वृद्धि को पाते रहते हैं, जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना। सतयुग में तो थे नहीं, जो सतयुग में थे वह फिर सतयुग में ही देखेंगे। सतयुग में कोई भी चीची गंध करने वाली चीज हो न सके, उन देवी देवताओं को कहते ही है भगवान भगवती। और कोई खंड में कभी भी किसको गॉड गॉडेस कह नहीं सकते, वह देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे। उनका देखो गायन कितना है। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है, तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है व कम है। हम इतने मार्क से पास होंगे, हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि न आए। इतनी ऊंची भावना बाबा की हम बच्चों के प्रति है कि बच्चों को कभी भी कोई ग्रहचारी तूफान आदि ना आए।
माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। तो बाप धीरज देते रहते हैं, बाकी थोड़ा समय है, तुमको सर्विस भी करनी है। स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है, स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है, इसमें एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ये राज बच्चे ही समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही पावन था, कितनी पीस प्योरिटी थी, ये कल की ही बात है। बाबा के लिए तो जैसे कल की ही बात है। कल हमने ही पाठ बजाया था, 5000 वर्ष का पाठ सारा नूंदा हुआ है। हम चक्र लगाकर आए हैं, अब फिर बाबा से योग लगाते हैं, इससे ही खाद निकलती है। बाप याद आएगा तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। पहले पहले अलफ को जानना है, बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, एक सेकंड का, फिर भी समझाते रहते हैं। हाँ, एक सेकंड का ज्ञान है समझने का, लेकिन फिर भी बाबा को इतना डिटेल से हर एक बात बच्चों को समझानी पड़ती है। पॉइंट्स देते रहते हैं, मुख्य पॉइंट है कौन सी? बाबा कहे मुख्य पॉइंट है मन मना भव, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के गुटके आ जाते हैं, फिर योग में रहने नहीं देते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। भक्ति का अनुभव तो सबको है, इस जन्म की बात है। इस जन्म को जानने से कुछ न कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। बच्चों को हॉबी हो गई है, इस बात की हॉबी हो गई है बाप को याद करने की। जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती है, जितना याद करते हैं तो अंदर खुशी बढ़ती है। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्य नारायण की कथा अमर कथा सुनाते हो। मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है, कौन सी है मूल बात? याद की। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, यह एक ही हॉबी रूहानी है। बाप समझाते हैं कि नॉलेज तो बड़ी सहज है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है, अधर कुमारी, कुमारी कन्या, कुमारी का नाम सबसे ज्यादा बाला है। उनको कोई बंधन नहीं है, वह पति तो विकारी बना देते, यह बाप तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं। यह बाबा तो हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं, स्वीट सागर में ले जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को पुराने देह सहित बिल्कुल भूल जाओ, पुरानी दुनिया को पुरानी देह सहित सब कुछ बिल्कुल भूल जाओ। आत्मा कहती है कि हमने तो 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे। हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है, आगे तो यह बाबा है, माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं। बाबा कहे मैं तो इंजन हूं, हर प्रकार के तूफान तो सबसे पहले मेरे पास आते हैं। तो माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं, बहुत आकर पूछते हैं कि बाबा हमको यह होता है। बाबा बताते हैं कि बच्चे हाँ यह तूफान तो जरूर आए, पहले तो मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। यह कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था,
ड्रामा में पार्ट बजाया, अब फिर वापस घर जाते हैं। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया नरक है। कहते भी है कि लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे। इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो बाबा कहे तो क्षीर अर्थात दूध का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे। उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी। बाबा का सब देखा हुआ है, अनुभवी है ना। बाबा ने इसीलिए तो अनुभवी रथ को चुना। बरोबर, ये भारत कितना पवित्र, क्षीर का सागर था, दूध घी की जैसे नदियां थी। यह तो महिमा दे दी है। स्वर्ग का नाम लेते ही मुख पानी होता है। तुम बच्चों को अज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो बुद्धि में समझ आई है। बुद्धि चली जाती है अपने घर, फिर स्वर्ग में आएंगे। वहां सब कुछ नया ही नया होगा। स्वर्ग में कोई भी इस पुरानी दुनिया की चीज नहीं होगी। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश होता था, बहुत प्यार से रखता था। यह नहीं समझता था कि हम ही यह बनूंगा। यह ज्ञान तो अब बाबा से मिला है। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो कि हम कैसे चक्र लगाएंगे। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, शरीर को कुछ न कुछ होता रहता है। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। देखते हो कि विनाश सामने खड़ा है। तुमको तीसरा नेत्र मिला है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति जानते हो। यह स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है। खुशी होती है। इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, परंतु नई बात होने कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहने से ही क्या होगा, बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। राम तीर्थ श्री कृष्ण का भक्त था तो कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे। उसको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई। परंतु उससे क्या हुआ, मिला तो कुछ भी नहीं। यहां तो तुम बच्चों को खुशी भी है, क्योंकि जानते हो कि 21 जन्म के लिए हम इतना ऊंच पद पाते हैं। तीन हिस्सा तो तुम सुखी रहते हो, अगर आधा आधा हो फिर तो फायदा ही नहीं हुआ। तुम तीन हिस्सा सुख में रहते हो, तुम्हारे जैसा सुख कोई देख न सके। तुम्हारे लिए तो सुख अपार है। महान सुख में तो दुख का पता नहीं चलता है। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो। बाबा कहे संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो। कौन सी दोनों बातों को जान सकते हैं, कि अभी हम दुख से सुख में जा रहे हैं। मुख है दिन तरफ और लात है रात तरफ। इस दुनिया को लात मारनी है अर्थात बुद्धि से भूलना है। आत्मा जानती है कि अब वापस घर जाना है। बहुत पाठ बजाया, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कट निकलेगी। जितना बाप की सर्विस पर रह सामान बनाएंगे उतना ही बाप का शो करेंगे। जितना बाप की सर्विस पर रह सामान बनाएंगे उतना ही बाप का शो करेंगे। बुद्धि में है कि अब घर जाना है।
तो घर को ही याद करना चाहिए। पुराना मकान गिरता रहता है, अब कहाँ नया मकान, कहाँ पुराना मकान। दोनों का कॉन्ट्रास्ट देखो। बाबा कहे कहाँ नया मकान, कहाँ पुराना मकान, रात दिन का फर्क है। यह तो हूबहू विषय वैतरणी नदी है, एक दो को मारते झगड़ते रहते हैं। बाकी भी बाबा आया है तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई है। अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते हैं, कितना माथा मारते हैं। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे, यह अभी की बात गाई जाती है। देखते हो कि कितना पुकारती है, वही ड्रामा का पार्ट बज रहा है। यह बाप जाने और बच्चे जाने, और न जाने कोई। आगे चल सबको समझने का है। गाते भी है, पतित पावन सर्व का सदगति दाता बाप है। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नरक कैसे बनता है। आओ तो हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जाने, और ईश्वर के तुम बच्चे जानो। पवित्रता सुख शांति की कैसे स्थापना होती है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का वर्षा ही लेंगे। बाबा कहे बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का ही वर्षा लेंगे। ये आकर समझो, टॉपिक बहुत है। तुम बच्चों का तो अब दिमाग ही पुर अर्थात भरपूर हो गया है। इतना बाबा ने ज्ञान की बातें हमें समझाई है, इतने रहस्य उद्घाटन किए हैं हमारे सामने, ज्ञान के गुह्य से गुह्य राज बताए हैं। जो बाबा कहे तुम्हारा दिमाग भरपूर हो गया है। खुशी का कितना पारा चढ़ता है, सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है, फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वहां फिर ये नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। बाबा कहे वहां फिर ये नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। कितनी गुह्य बातें समझने की है। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए है ना, तो ये चक्र 84 का है। अब मनुष्य को भी क्लियर कर समझाना है। इसको अब स्वर्ग व पावन दुनिया थोड़ी कहेंगे। सतयुग अलग है, कलयुग अलग चीज है। ये चक्र कैसे फिरता है ये समझाने में सहज है, समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहे, यह बहुतों से हो नहीं सकता। सभी सब बातों को समेट कर बाबा कहे याद की यात्रा में रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। दूसरी पॉइंट, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरण कर दिमाग को भरपूर रखना है, पूर्ण रखना है अर्थात भरपूर रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव।
दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है। तो इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती है। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। अच्छा, ओम शांति।